broadcast with the fact that we're shifting our focus to the Rajya Sabha, which has resumed. Let's take a look. माननीय उपसभापति जी, यही नहीं, अगर मैं इसी साल की बात करूं, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने ऑस्कर्स में भी, चाहे हमारी स्मॉल डॉक्यूमेंट्री में द एलिफेंट विस्परर्स और आरआरआर ने फिल्म के रूप में पूरी दुनिया भर में धूम मचाई और भारत के लिए ऑस्कर जीतने का भी काम किया। ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी, जब हम 40 वर्षों के बाद कोई बड़ा संशोधन ला रहे हैं और मैं एक तरह से कहूं कि बिल को एक बड़े नए रूप में पेश कर रहे हैं, तो विपक्ष का ये रवैया देख के लगता है ना ये फिल्म जगत के पक्ष में है, ना भारत के सॉफ्ट पावर के रूप में उभरने के पक्ष में है। ये खुद तो इतने वर्षों में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आज जब इस बिल पर चर्चा होगी तो माननीय उपसभापति जी देखने को मिलेगा, ये बिल केवल किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर तक सीमित नहीं है, ये छोटे से छोटे स्पॉट बॉय से लेकर मेकअप मैन से लेकर एक स्टंट आर्टिस्ट से लेकर कोरियोग्राफर तक और एक लाइट के जिसकी या साउंड आर्टिस्ट के रूप में साउंड इंजीनियर से लेकर टेक्नीशियन जूनियर आर्टिस्ट ऐसे प्रोड्यूसर सबके जीवन में एक बहुत बड़ा फर्क ला सकता है, क्योंकि पायरेसी माननीय सभापति जी एक ऐसी दीमक है जो फिल्म इंडस्ट्री को खा रही है। बहुत लोगों के वर्षों की मेहनत, जब चलचित्र पर एक बहुत अच्छा उसका दिखना हो, अच्छी फिल्म आनी हो, तो उसके चलते भी उनके हर खाने का काम पायरेसी करने वाले लोग खाते हैं, और आज जब मैं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों की आवाज यहाँ पर उठाता हूँ तो उनका हक खाने का काम भी ये लोग करना चाहते हैं। सदन के सदस्य उस पर चर्चा करना चाहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं सर, मैं विस्तार में बाद में जरूर बोलूंगा, लेकिन प्रमुख तीन बातें अगर इस बिल के लिए मैं कहूं कि क्यों लाना पड़ा अमेंडमेंट्स को। पहला तो जो अनऑथोराइज रिकॉर्डिंग होती थी वर्षों पहले कैमकॉर्डर के साथ होती थी, लेकिन समय के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग भी आई, मोबाइल फोन भी आए, अलग अलग तरीके आए, इंटरनेट के जमाने में आज इसका दुरुपयोग करके पायरेसी को और बढ़ावा दिया जाता है। पायरेसी को रोकने के लिए हम इसको लाए। दूसरा, लाइसेंसिंग के प्रोसीजर को और सरल करने के लिए इस बिल के माध्यम से बल मिलेगा। और तीसरा, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके साथ हार्मोनाइज करने का काम हमने इसके माध्यम से किया है। मैं विस्तार में इसमें पूरी बात कहूंगा, लेकिन एक बात और जरूर कहूंगा, जब धारा 370-35 से हटाने का समय 70 साल में किसी ने प्रयास धारा 370-35 से सदा सदा के लिए समाप्त करने का काम भी 2019 में मोदी सरकार ने किया, लेकिन उससे पहले भी माननीय उपसभापति जी 370-35 के कारण इस एक्ट में प्रभाव आता था, लेकिन हमने अब उसको उस सेक्शन को ओमिट करने का काम किया है, तो हमारे जम्मू कश्मीर के भाई और बहनों को, वहां के कलाकारों को भी इससे लाभ मिलेगा। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं सभी माननीय सदस्यों का सुनने के लिए बेताबी से इंतजार कर रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है सिनेमा जगत के पक्ष में, सिनेमा जगत से जुड़े सभी लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर से लेकर फिल्म बनाने वाले से लेकर स्पॉट बॉय से लेकर एक आर्टिस्ट तक, हर किसी के हित में बिल लेकर आए हैं। पूरे सदन का मुझे लगता है समर्थन इसमें मिलेगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, धन्यवाद।